तो ये है मारुति के अल्टो K10 2012 मॉडल, तो देख सकते हो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उस्ताद जी से पूछते हैं। हाँ उस्ताद जी बताइए। नमस्कार भाइयों को, राम राम। भाई देखिए, इसका एक्सीलेटर वायर है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था। भाई परेशान है दबा दबा के कि भाई एक एक्सीलेटर बहुत हार्ड रहता है। अब एक गाड़ी आई तो मैंने देखा इसका वायर खराब है। मैंने भैया वायर नहीं डलेगा। अच्छा, अब देखिए वायर पुराना मैंने निकाल लिया है। कैसे पता चलता वायर खराब है? बहुत ज़्यादा पेडल हार्ड था। हार्ड है इसलिए पेडल प्रॉब्लम नहीं होता है। वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं, वायर ही खराब होता है इसका। वायर ही खराब होता है उसका, अक्सर वायर ही खराब होता है। देखिए एन जी पी का हमने लाया है, ये भी पैकेट फाड़ा दिया। एन जी पी का है, लगभग कितने का ये? ये 200 रुपये के है। 200 रुपये जी। और ये देखिए वायर क्या है कि ऊपर है प्लास्टिक जो होता टूट गया, अब आपस में क्या तो इस वजह से बिल्कुल देखिए तार चल नहीं रहा, बिल्कुल हार्ड है। देखिए हार्ड हो गया था। हाँ, अब इसको देखेंगे आप, देखो पानी तार चलेगा। ये 100 रुपये जी। तो ये नया हमारा जी वायर है, इसको क्या बोलते हैं उसे? एक्सीलेटर वायर। एक्सीलेटर वायर जी। और ये हमारा तोता वो हो गया, टाइट हो गया जी, ये खराब हो गया। खराब हो गया जी। तो अभी हम इसको फिटिंग करेंगे गाड़ी में, तो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वायर लगा रहे हैं। अच्छा, ये जो इसके ऊपर से जाता है ये उसके ही होता है जी, एक सीटर वायर। तो कितना मिनट लगता है उस्ताद जी इसको फिट करने में? 10 मिनट ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, और निकालने में भी वही 10 से 15 मिनट में लग जाता है निकालना। दोनों